this? ये शहर का जो मड वाला जो है निकल गया, ये टूट गया, ये टूट गया पूरा, टूट गया। लेकिन वो ठीक है क्योंकि इसका इतना ज्यादा डैमेज नहीं है। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं, लकीली वहाँ से निकल गए बच के। अभी संतोष यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आई होप और कोई डैमेज नहीं है। चलिए थोड़ा उतर के देखते हैं नीचे कैसा है ये जगह, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे रास्ता रोड का काम चल रहा है, वो बीच में ये नहीं बना है पैच, इसलिए शायद इन्होंने स्टार्ट नहीं किया इस रोड पर छोड़ना, तो उस रास्ते से आना पड़ा। काफ़ी बड़ा वहाँ पे एक पत्थर था जो एकदम बालू से ढका हुआ था और पता नहीं चला, और उस पर अभी आते वक्त गाड़ी की हालत एकदम ख़राब। और यहाँ से वो मड का वो जो फ्लैप होता है यहाँ पर वो निकल गया, तो बट तभी लकीली बहुत बुरे नहीं फंसे, नहीं तो हालत बहुत ही ख़राब हो जानी थी अभी। ऐसे नज़ारे देख देख हमारी थकान उतर रही है और हमारा दिन बन रहा है। वाओ क्या है ये जगह। I don't know what is this, but I'm expecting this is Ibex, I guess. Or oh my god. I think this is Ibex. Oh, beautiful. Wow. हम लोग अभी इस रास्ते पे जाने वाले हैं। ये जो आपको आड़ी टेढ़ी वाइट लाइंस दिख रहे हैं ना वहाँ पे दूर दूर तक, अब इसी रोड पे हम लोग जाने वाले हैं। शायद ही आपको पता चल रहा होगा इस पे ट्रक्स आ रही है, छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। ओ अनबिलीवेबल, हम लोग अभी इस रोड पे जाने वाले हैं। वाओ तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, ये पांग है ये जगह का नाम, और यहाँ पे हमको ऐसे चावल दाल सब्जी मिली और जो मटन करी हमने कल बनाया था उसको गरम कर दिया, एंड वी आर हैविंग दैट। थैंक यू। पहाड़ देखिए कैसे बहुत ही सुंदर है।
रात को कल सोई नहीं थी और आज यहाँ की धूप बहुत चुभती है। रात को इतना ठंड रहता है और सुबह इतना गर्मी रहता है, मतलब व्हेन इट इज़ सनी इट इज़ वेरी हार्श और एकदम सर दर्द हो जाता है। तो वो सब कुल मिला के मतलब मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो और कल रात को मैं डिनर भी नहीं कर पाई थी, मतलब खाना तो खाने बैठी बट आई कुडंट ओनली, वो चंद्रताल जैसा ही सीन हो गया। आई जस्ट फेल्ट क्योंकिश, मुझे बिल्कुल भी मैं खा नहीं पाई, टू स्पून ही मैंने खाए थे। तो ये सब आई थिंक सब मिला के काफ़ी मतलब मैं थोड़ा डाउन हो गई थी। तो अभी पैंग में अभी लंच करने के बाद से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो पैंग तक रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत ख़राब था और काफ़ी आर्मी एरिया थे, आर्मी के गाड़ी जा रहे थे, इसलिए हमने वो स्ट्रेच कवर नहीं किया। बट बीच बीच में एक एक जगह पे शायद मैंने कवर किया है, वो मैंने आपको अभी जो दिखाया है। और रोड्स बहुत ख़राब हैं पैंग तक। आफ्टर पैंग रोड तो अच्छा है बट काफ़ी एकदम रोलर कोस्टर टाइप है, अप डाउन एकदम। और तो अगर आप प्लान करते हैं तो आप इसके हिसाब से प्लान करें, क्योंकि सरचू इज़ द लास्ट प्लेस जहां आपको कुछ मिलेगा, मतलब खाने पीने की जगह या कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा, बट सरचू के बाद पैंग तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नॉट अ सिंगल, एक घर नहीं है, एक इंसान नहीं है, एक खाने का आउटलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सुबह से चले, आपने नहीं खाना खाया है या आपका जो भी प्लान है, तो सरचू इज़ द प्लेस जहाँ पे खाना है, उसके मतलब कुछ भी आउटलेट्स थोड़े बहुत हैं और वेयर आप जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है गाड़ी का, तो वहीं पे थोड़े आउटलेट्स हैं। और उसके बाद सीधा आके पैंग में है, उसके पहले एक चाय की टपरी भी नहीं है कहीं पर। तो आप उस हिसाब से अपना मतलब बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। और अभी भी हम जो पैंग से निकले हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं, रोड दिख रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए दूर दूर तक बस ये रोड दिख रहा है। आ जाए एक रोलर कोस्टर जंप, ऐसे ही रोड्स कम्प्लीटली मतलब काफ़ी अप डाउन टाइप है। तो यहाँ पे स्पीड भी नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी रोड में आए थे, ये जो रोड है मनाली से आता है, और हम लोग अभी जो जाएंगे ये रोड पे जाएंगे, ये जा रहा है सोकर और सुमरेरी लेक, जो एक वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन लद्दाख। तो हम इसी रोड पे अभी जा रहे हैं। वो रोड अभी अच्छा था ले के लिए, लेकिन हम यहाँ से ले जाएंगे पैंगोंग होके। चलो ये डस्ट स्टॉर्म थोड़ा स्कैरी लग रहा है। अभी हमको इधर से ही निकलना है, इसके साइड से, और ये बहुत ज़बरदस्त सैंड स्टॉर्म हो रहा है, डस्ट स्टॉर्म। तो देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, कैसा है सीन। अब यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। साइड में ब्लैक टॉप रोड है बट ये काम चल रहा है, मतलब बहुत आगे तक रोड नहीं है, ऐसे ही मिट्टी वाली रोड है। और हम अभी थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, वापस चलते हैं, और हमने वापस वही ले वाली रोड फिर से हमने पकड़ ली और हम ले की तरफ जा रहे हैं अभी।
तो हम लोग ऐसे ही चलते रहे और हमारी जर्नी चलती रही लेह तक। काफ़ी रात हो चुकी थी लेह पहुँचते पहुँचते, और अंधेरा होने की वजह से हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। उपसी में हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट्स वो चेक हुआ, एंट्री रजिस्ट्रेशन हुआ, व्हीकल का पैसेंजर डिटेल्स। तो एक उपसी एक चेक पॉइंट है जहाँ पे सारी डिटेल्स देनी होती है। अभी हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड एट द टॉप है, एंड दिस इज खाटोंगला पास।